दोस्तों किसी भी बिल्डिंग में या घर में जब भी हमारे दीमक का अटैक होता है, टर्माइट का अटैक होता है, तो भारी परेशानी आती है, क्योंकि कई सारे ऐसे सामान होते हैं जिनको वो नष्ट कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं आपके कीमती सामानों को। तो इनसे दूर कैसे रहें और इन्हें कैसे हम दीमक के अटैक होने से बच सकते हैं, पुरानी बिल्डिंग में या न्यू बिल्डिंग में, आज की वीडियो में हम इसमें ही बात करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में तो हम ये जानेंगे कि टर्माइट का प्रोसीजर किस तरह से काम करता है न्यू बिल्डिंग के लिए। यदि आप जानना चाहते हैं ओल्ड बिल्डिंग में किस तरह से आपको करना है, यदि आपके घरों में दीमक लग गया है, तो इस वीडियो का मैं टारगेट रख रहा हूं 1000 लाइक का। आप 1000 लाइक इस वीडियो पर जैसे ही होंगे, मैं ओल्ड बिल्डिंग का वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं इसी चैनल पर, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो टर्माइट लगने के बाद कैसे हम उसको केमिकल से ठीक करेंगे, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा टर्माइट अटैक कैसे करते हैं हमारे बिल्डिंग्स में। देखिए टर्माइट जब अटैक करते हैं हमारे बिल्डिंग में, तो सबसे पहले उन्हें चाहिए वाटर, पानी जहां उनको मिलेगा, मतलब सीलन मिलेगी, सबसे पहले वो वहां पर अपनी कॉलोनीज को डेवलप करते हैं। कॉलोनीज मतलब जैसे हम लोग एक कॉलोनी में रहते हैं, अलग अलग घर होते हैं हमारे, सेम इसी तरह दीमक भी कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। जिस कॉलोनी के अंदर एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, मतलब जो दीमक है उसमें से एक किंग होगा और एक क्वीन होगा, जो कि प्रोड्यूस करते हैं एग्स। और ये जो एग होते हैं एक दिन में लगभग 20,000 से लेकर 30,000 तक भी हो सकते हैं, जिसके अंदर जो एग यहां पर आएंगे, इसमें कुछ दीमक जो होते हैं वो वर्कर टर्माइट के रूप में काम करते हैं। वर्कर टर्माइट मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि जो बाघ कॉलोनी के दीमक हैं उनके लिए फूड इकट्ठा करना, उनके जो एग दिए गए हैं उनके लिए फीड कराना उनको। फिर आते हैं सोल्जर टर्माइट। देखिए सोल्जर टर्माइट का काम होता है कि कॉलोनी की रक्षा करना, कि जैसे किसी तरह के और इंसेक्ट आया, कोई आंट आ जाता है, चींटी आ जाता है, अब वो यदि दीमक की कॉलोनी के आसपास दिखेगा तो ये जो सोल्जर टर्माइट होते हैं अपनी कॉलोनी को सेव करते हैं। और साथ में दोस्तों जो आपने सुसाइड बॉम्बर का नाम तो सुना होगा, जैसे सुसाइड बॉम्बर होते हैं कि खुद ही अपने आप उड़ा लेते हैं, तो पहले सुसाइड बॉम्बर है ये दीमक। ये दीमक क्या करते हैं, सोल्जर टर्माइट के पास जो बैक में इनके एक जेली टाइप लिक्विड होता है, ये क्या करते हैं, जब भी इनको लगता है कि हमारी कॉलोनी को बाकी इंसेक्ट हार्म कर रहे हैं तो ये खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं। उस जेली जब निकलता है तो जेली बाकी इंसेक्ट्स पे जाके लगता है, जिसकी वजह से वहां पर जो बाकी इंसेक्ट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इनकी कॉलोनी सेफ हो जाती है। तो मतलब ये पूरा ग्रुप में टीम की तरह वर्क करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में तो हम ये जान रहे हैं कि टर्माइट का प्रोसीजर कैसे करना है, लेकिन दिक्कत आती है यहां पर मेजरमेंट करने के लिए। एक बिलिंग इंजीनियर, एक एस्टिमेशन कॉस्टिंग इंजीनियर किस तरह से बिल में लिखता है टर्माइट को, और साथ में दोस्तों प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जानने के लिए सिविल गुरुजी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अवेलेबल है, जो कि सिविल गुरुजी के नंबर ऑफ ब्रांचेस में अवेलेबल है। आप जाकर अभी कॉल कर लो 9111001234 यदि आप एक स्किल्ड इंजीनियर बनना चाहते हो। तो दोस्तों जनरली दीमक की कॉलोनी जो होती हैं ये बिल्डिंग के नीचे सॉइल में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन यहां पर जो हमने अभी बात करी क्वीन क्वीन और एग के बारे में, वर्कर टर्माइट और सोल्जर टर्माइट, इनसे कहीं ज्यादा टर्माइट खतरनाक है एलेट टर्माइट। देखिए एलेट टर्माइट क्या होता है, इनके पास पंख होते हैं और हाई राइज बिल्डिंग में ये पंख की सहायता से उड़ के जाते हैं। आपने देखा होगा बरसात के सीजन में जहां लाइट्स दिखती हैं वहां पर कुछ पंखनुमा इंसेक्ट्स होते हैं जो कि लाइट के चारों तरफ गिरते रहते हैं और उनके पंख नीचे गिरते हैं, आपके फ्लोर पर गिरते हैं पंख, और उन पंख के बाद वहां पर जो टर्माइट पैदा होते हैं और टर्माइट में एक फिर से किंग बन जाता है, क्वीन बन जाता है, फिर सोल्जर बन जाते हैं, फिर वर्कर टर्माइट बन जाते हैं। तो जो एलेट टर्माइट है ये आपके बिल्डिंग्स के ऊपर जाकर भी आप दीमक की कॉलोनी को बनाने का काम करते हैं। देखिए इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बिल्डिंग के नीचे ही टर्माइट नहीं होते, आपके बिल्डिंग में पहुंचने के लिए एलेट टर्माइट पहुंचता है, और एलेट टर्माइट क्या देखता है कि कहां पर नमी मौजूद है वहीं पर ही अपनी कॉलोनी बनाना चालू कर देता है। तो एलेट टर्माइट से जरूर बचेगा जब जब बरसात के सीजन होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था कि दीमक हमारे बिल्डिंग में कैसे अटैक करते हैं, कैसे अपनी कॉलोनी को बनाते हैं। अब स्पेशली बात करेंगे कि आप यदि अपना नया घर बना रहे हैं तो नए घर बनाने में आपको कैसे यूज करने हैं केमिकल्स को। इसके बाद समझेंगे कि कैसे आपका पुराना बिल्डिंग है, आपके जो जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां पर किसी भी तरह का किचन के अंदर या कहीं पर भी दीमक का अटैक हुआ है तो कैसे आप उसको ठीक करेंगे। चलिए समझते हैं सबसे पहले न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या ओल्ड बिल्डिंग है आपके पास, तो केमिकल्स के बारे में यहां पर समझते हैं। तो सबसे पहला जो केमिकल आता है उसको बोलते हैं क्लोरोपाइरीफोस, जो कि 20% ईसी सॉल्यूशन में रहता है। अगर मैं इनके ब्रांड की बात करूं तो मार्केट में जो ब्रांड अवेलेबल है वो लीथल और एल्ड्रिन। देखिए बेसिकली ये जो केमिकल है ये रेपेलेंट पे काम करता है, मतलब रेपेलेंट मतलब कि आज दीमक को केवल इंस्टेंटली खत्म कर देगा, फ्यूचर में वहां पे कॉलोनी बन सकती है लेकिन इंस्टेंट दीमक वहां से खत्म हो जाएगा, इस वाले फिनोमेना पे ये काम करते हैं। दूसरा केमिकल है बायपेंथ्रीन का, जो कि 2.5% ईसी में आता है। अगर मैं प्रोडक्ट नेम की बात करूं तो बायफ्लेक्स नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये भी सेम रेपेलेंट प्रोसीजर पे काम करता है कि टर्माइट को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर देगा लेकिन फ्यूचर में कॉलोनीज वहां पे डेवलप हो सकती हैं। अब तीसरा जो केमिकल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल है, जो कि इमिडा क्लोरोप्राइड। अब देखिए ये दो केमिकल इसमें आते हैं, ये तो नाम हो गया इमिडा क्लोरोप्राइड 30.5% एससी सॉल्यूशन में आता है, जो कि कंसंट्रेटेड होता है बहुत ज्यादा, इसको डाइल्यूट करना पड़ता है पानी के साथ हमें, और इसकी क्वांटिटी भी कम लगती है, ज्यादा पानी में ये वर्क कर लेता है।
ये जो केमिकल है ये डोमिनो इफेक्ट पे काम करता है। डोमिनो इफेक्ट मतलब कि आज हमने केमिकल यहां करा तो यहां पर क्या होगा कि एक दीमक ने उसे सूंघा और सूंघने के बाद उसने दूसरे दीमक तक उसको पहुंचाया और ये क्या करता रहेगा धीरे धीरे उनके नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते रहेगा। मतलब इंस्टेंट नहीं मारेगा लेकिन एक दीमक से दूसरे दीमक में डोमिनो इफेक्ट की सहायता से ये ट्रांसफर करता रहेगा और इसमें क्या होगा ये नर्वस सिस्टम खराब कर देता है हमारे दीमक का। अब ये जो केमिकल है इमिडाक्लोरोप्राइड जिसका मैंने बताया 30.5% SC में, ये बेसिकली दो ब्रांड अलग अलग नाम से बनाती है इसको। पहला है बायर्स कंपनी का, बायर्स कंपनी जनरली इसको प्रीमाइज के नाम से बनाती है और FMC कंपनी जो है इसको पैक्सटॉन के नाम से बनाती है। मार्केट में अवेलेबल है वरना आप जो है किसी भी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं इसको। सबसे बेस्ट है, डोमिनो इफेक्ट पे काम करेगा ये, इसलिए मैं इसको बेस्ट बोलता हूं। एक और केमिकल है जो कि चौथा केमिकल है, ये भी डोमिनो इफेक्ट पे काम करता है, जो कि है फिप्रोनिल। अब देखिए फिप्रोनिल जो है ये एजेंडा नाम से प्रोडक्ट आता है, बेयर्स कंपनी का ही है ये भी। ये 25% SC पे काम करता है और ये भी साथ में डोमिनो इफेक्ट पे काम करेगा। यदि आपको इमिडाक्लोरोप्राइड यूज करना है वो भी कर सकते हैं, यदि आपको फिप्रोनिल यूज करना है ये भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों ही केमिकल SC पे काम करते हैं और साथ में डोमिनो इफेक्ट पे काम करते हैं। इससे ऊपर जो दो केमिकल मैंने आपको बताए थे, चाहे वो बायोपेंथ्रिन हो या क्लोरोपाइरीफोस हो, ये दोनों ही केमिकल रेपेलेंट इफेक्ट पे काम करते हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा इग्नोर करता हूं यहां पर। दोस्तों अभी आपने देखे केमिकल्स के बारे में, अब हम बात करेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। देखिए अगर आपने इमिडाक्लोरोप्राइड यूज किया है तो इमिडाक्लोरोप्राइड 400 लीटर पानी में 1 लीटर सॉल्यूशन लगेगा, तो ये क्या हो गया इसका रेशियो हो गया। आप लिख लीजिए 400 लीटर यदि आप पानी यूज करेंगे तो 1 लीटर सॉल्यूशन लगेगा। अब देखिए लगभग 400 लीटर की हम जो बात करें तो 1 स्क्वायर मीटर में लगभग 5 लीटर आपका सॉल्यूशन लगता है। कितना लगता है, 1 स्क्वायर मीटर में 5 लीटर आपको सॉल्यूशन डालना पड़ेगा। कौन सा सॉल्यूशन, जिसमें आपने 400 लीटर पानी में 1 लीटर सॉल्यूशन जो आपका लिक्विड था केमिकल उसको डाल दिया है, तो कितना हो गया ये 400, 1 लीटर हो गया। अब उसमें से जो बकेट आपने टब यूज किया है जिसके अंदर ये बनाया है सॉल्यूशन, अब उसको डाइल्यूट करने के बाद आपका जो कंजम्पशन होगा ग्राउंड पर वो 1 स्क्वायर मीटर के एरिया में 5 लीटर सॉल्यूशन का कंजम्पशन होता है, यदि आपने इमिडाक्लोरोप्राइड का चाहे प्रिमाइज या पैक्सटॉन यूज किया है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इसलिए मैंने इसका ही आंकड़ा आपको दे रहा हूं। यदि आप और जानना चाहते हैं कि बाकी केमिकल का कितने कितने परसेंटेज में लेना है तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा, तो कमेंट ना भूलिए यदि आपको बाकी केमिकल के बारे में भी जानना है, उनके परसेंटेज रेशियो के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर कि जैसे कि आपने अपना स्क्वायर मीटर में एरिया मेजर कर लिया है उसके बेसिस पे आप जो वाटर लीजिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एरिया फॉर एग्जांपल कम हो गया, जैसे 400 लीटर की बात किया, कितना 1 स्क्वायर मीटर में 5 लीटर, तो 400 डिवाइड बाय 5 लीटर आपको समझ में आएगा कितने एरिया में यूज होने वाला है, एकदम क्लियर से कैलकुलेशन है। अगर फॉर एग्जांपल वो कैलकुलेशन के हिसाब से आपका एरिया उसका आधा हुआ तो ऑब्वियसली आपको 200 लीटर में 500 ml केमिकल मिलाना है, एकदम सीधी सी कैलकुलेशन बता दी आपको मैंने। तो इस तरह से आपको जो केमिकल को बाय करना है मार्केट से और सॉल्यूशन को बनवाना है। अब इसके लिए जो एपरेटस की जरूरत पड़ेगी वो एक स्प्रे की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि स्प्रे क्या करेगा कि डायरेक्टली जो है कहीं कहीं जो छोटे छोटे कण है वहां तक जो केमिकल को पहुंचा पाएगा। जब आपका फाउंडेशन तैयार हो रहा है मतलब आपने फुटिंग देने वाले हो तो एक्सकवेशन करवाए हुए आपने, एक्सकवेशन करवाने के बाद फुटिंग देने से पहले आपको इसका छिड़काव करवाना पड़ेगा अपने एक्सकवेशन पिट के अंदर, क्योंकि जनरली टर्माइट का अटैक नीचे से होता है सबसे पहले चांसेस में, तो आपको नीचे ही सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा केमिकल का जो सॉल्यूशन बनाया है आपने 400 लीटर पानी में जो बनाया है सॉल्यूशन, तो इससे आपको चारों तरफ छिड़काव करवाना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद जब आपका बैकफिलिंग का कार्य पूरा हो गया है, आपने नेचुरल ग्राउंड लेवल तक पहुंच गया और सारा फुटिंग वगैरह बन के कॉलम ऊपर आ चुके हैं, सबसे पहला काम यहां पर दूसरा स्टेप चालू हो जाएगा आपका, फिर से आपको अगेन वही सेम रेशियो में दोबारा से यहां पर केमिकल करवाना पड़ेगा। रीजन इसके पीछे, आपने प्लॉट का एक्सकवेशन किया, वो प्लॉट का एक्सकवेशन आपका केवल नीचे आपने एक्सकवेशन पिट में किया, जितने जितने जगह आपके फुटिंग्स आने थे, जो बाकी एरिया बचे हुए हैं जो बाकी नमी आने वाली है, यहां पर दीमक की कॉलोनी बाजू से इकट्ठे होने वाले हैं, उनको रोकने के लिए आपको यहां पर भी बैरियर बनाना पड़ेगा। इसके बाद जब आपका प्लिंथ एरिया जब खत्म हो जाएगा, जब आपने प्लिंथ फिलिंग प्रोवाइड कर दी है, तो आपको प्लिंथ फिलिंग करवाने के बाद फ्लोर पीसीसी करवाने से पहले एक बार और इसको करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है टर्माइट का अटैक वॉल से हो जाए, साइड में वॉल्स आ रहे हैं वहां से आपके टर्माइट का अटैक हो सकता है, फ्लोरिंग के जरिए ही आपके बिल्डिंग्स में आ सकते हैं। तो 3 बार आपको ये सॉल्यूशन को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो मैंने 1 स्क्वायर मीटर 5 लीटर में बताया था 5 लीटर केमिकल लगता है वो 1 बार का बताया है, तो इसके हिसाब से आप केमिकल को परचेज कीजिएगा कैलकुलेशन करने के बाद ही। तो दोस्तों अभी आपने समझा कि न्यू कंस्ट्रक्शन में किस तरह से आपको रोकना है दीमक को आने के लिए और कैसे आपको प्रिकॉशंस अपनाने हैं और किस तरह से ये प्रोसीजर काम करता है। एक प्रोसीजर और होता है न्यू कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं टर्माइट रेट्रिकुलेशन प्रोसेस, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और डिटेल से, और साथ में ओल्ड बिल्डिंग जो होती है आपकी उसमें दीमक का अटैक हुआ है तो उसको किस तरह से दूर करना है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप उसके बारे में लिखिए कि आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं। दूसरा, इस वीडियो पे मैं 1000 लाइक का टारगेट ले रहा हूं, 1000 लाइक जैसे ही कंप्लीट होते हैं मैं रेट्रिकुलेशन वाला प्रोसेस का वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप सभी लोग के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।